गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग सर। सो वी वर डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, एक्सरसाइज नंबर 6.3 या 4.3, और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक कल कर लिए थे। कोई डाउट है यहां तक? नो। ओके, तो टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले इसका फिगर बना लीजिए जल्दी से। अच्छा, नीचे वाला है, सॉरी सॉरी सॉरी, 6.38 फिगर है भाई, आप भी गलती मत कर देना, ये वाला फिगर है। यही बना है लगता तो नहीं है। बना लिया, चलो रीड आउट करते हैं, आवाज नहीं। अब इन फिगर 6.38, सोनाक्षी आगे देखो, अल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अल्टीट्यूड का मतलब बताओ पहले, हाइट। अल्टीट्यूड का मतलब हाइट। अब ये ट्राइंगल के अंदर कैसे ड्रॉ होती है पहले वो समझते हैं, ठीक है? हो सकता है कई बच्चे जानते भी हैं, हो सकता है कई बच्चे नहीं भी जानते। ट्राइंगल के अंदर हाइट कैसे ड्रॉ होती है, या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटर, किसी भी पॉलीगन में हाइट कैसे ड्रॉ होती है, किसी भी पॉलीगन में हाइट बनानी हो। और अरे आज आप आ गए, तबीयत सही हो गई तो फिर पीछे क्यों बैठे हो, आगे बैठो ना, आगे बैठो, आओ दोनों आगे आ जाओ। हाँ, तो ट्राइंगल की बात कर रहे थे। लेट अस सपोज दिस इज एन ट्राइंगल, तो ए बी सी ट्राइंगल हाइट क्या होती है, बेस से लेकर, जो बेस है बेस से लेकर एक सीधी लाइन वो क्या होती है, हाइट होती है, जिसको अपन अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। बेस से लेकर एक सीधी लाइन क्या होती है, हाइट होती है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। सपोज करो बीसी को बेस माना, तो बीसी बेस से बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। अब सीधी लाइन तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सीधी लाइन का मतलब है सीधा सीधा कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, ये भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी कर रही है, लेकिन इनमें से कोई भी हाइट नहीं है, इनमें से कोई भी हाइट नहीं है। हाइट क्या होगी, जो वर्टेक्स ए से, सामने वाले वर्टेक्स से निकलेगी और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, क्या क्या चीज होती है हाइट बताओ, बोलो। बेस पर सामने वाले वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट निकलेगी जो बेस पर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी बेस से परपेंडिकुलर होगी, बेस से परपेंडिकुलर होगी और सामने वाले वर्टेक्स से ओरिजिनेट होगी, यानी पैदा होगी, वहां से निकलेगी। सपोज करो मेरे को एबी पर हाइट बनानी है, एबी को बेस बना लूं, तो फिर एक सी से भी एक हाइट बन सकती है, है ना? तो ये हाइट हो जाएगी आपकी, ये दूसरा अल्टीट्यूड हो गया। और आप एसी पर भी अल्टीट्यूड बना सकते हो, यानी कि हाइट बना सकते हो। और खास बात यह है कि ट्राइंगल के अगर अपन तीन अल्टीट्यूड्स बना लेते हैं या तीन हाइट बना लेते हैं, तो वो एक कॉमन पॉइंट से जरूर क्रॉस होते हैं, और उस कॉमन पॉइंट को कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। क्या कहा जाता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री अल्टीट्यूड्स इज नॉन एज ऑर्थो सेंटर, जहां पे तीन अल्टीट्यूड्स आके टकराते हैं, या दो भी टकराएंगे तो भी वो पॉइंट ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा भी जाएगा, टकराएगा तो वहीं से जाएगा ना, ठीक है, क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं अब क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक तो अल्टीट्यूड एडी बना दो और एक सीई बना दो। देखो ये एबी बेस पर नहीं, एबी बेस पर नहीं, बीसी बेस पर तो अल्टीट्यूड एडी बना दिया उन्होंने, दिख रहा है अल्टीट्यूड एडी 90 डिग्री पे छू रहा है इसको, और दूसरा अल्टीट्यूड बनाया है उन्होंने एबी बेस पर, सी सामने वाला वर्टेक्स सी हो जाएगा, सीई, दूसरे अल्टीट्यूड का नाम क्या है, सीई, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर। हालांकि तीसरा अल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो भी 100% इस पी से गुजरता हुआ जाएगा, तो वो तो दो अल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से भी मिल सकता है ऑर्थो सेंटर, जरूरी नहीं कि तीन ही बनाओ, ठीक है, कोई भी दो से भी मिल जाएगा। चलते हैं आगे, ये तो है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनका ऑर्थो सेंटर है। शो दैट, आपको चार सिमिलैरिटीज को प्रूव करना है। पहली सिमिलैरिटी है ट्राइंगल एईपी, ए ई पी, दिख रहा है ट्राइंगल, ये सिमिलर है, मतलब ये शेप में एक जैसा है, किसके, सीडीपी के, सीडीपी,
इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल शेप वाइज बिल्कुल सेम है, ऐसा वो प्रूव करवाना चाहता है। साइज वाइज तो अलग है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन शेप एक जैसा है दोनों का, ठीक है। मतलब उसको अगर मैं सीधा कर दूं तो सेम टू सेम ऐसा शेप दिखाई देगा इसका। तो देखो साइड किसी की भी गिवन नहीं है, किसी की भी साइड गिवन नहीं है, तो वहां से हिंट मिल रहा है कि चारों सिमिलैरिटी विल बी प्रूव्ड थ्रू एंगल्स। यहां पे हमको एंगल्स का ही गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि साइड्स तो किसी भी की भी गिवन नहीं है, ठीक है ना। होगी तो मुश्किल से कोई कॉमन साइड किसी की आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ऐसे स्पेशली गिवन नहीं है कि ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन एंगल फिर भी गिवन है, कैसे? क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली एंगल की इन्फॉर्मेशन है ना कि ये 90 डिग्री एंगल्स हैं। आपको डायरेक्टली नहीं कहा कि ये 90 डिग्री है, लेकिन आपको ये कह दिया कि अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड होगा तो 90 डिग्री पे ही तो होगा, तो इनडायरेक्टली आपको एंगल दे दिया उन्होंने। चलो बात करते हैं ये दो ट्राइंगल। तो देखो एक एंगल तो ये इक्वल होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक एंगल 90 डिग्री का है ही सही, हो गया काम। दो एंगल के बाद तीसरे एंगल की जरूरत ही नहीं होती। चलो फिगर बनाई लिया है अपने, गिवन पॉइंट्स डालो, टू प्रूफ शुरू करो। इन ट्रायंगल एबीसी पहली चीज, पहला अल्टीट्यूड क्या है? एडी। पहला अल्टीट्यूड क्या है? एडी। वो किसके परपेंडिकुलर होगा? जिस साइड पर वो बना है, किस पर बना है वो एडी? अल्टीट्यूड चेक करो, बीसी पर। तो एडी तो परपेंडिकुलर है बीसी, ये पहला गिवन पॉइंट है। एंड दूसरा अल्टीट्यूड सीई, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू एबी। बस ये दो ही गिवन पॉइंट है, ठीक है। और लिखना चाहो तो तीसरी चीज ये लिख सकते हो कि अल्टीट्यूड ये जो दोनों है वो पी पे टकरा रहे हैं, पी इज द ऑर्थो सेंटर लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो अल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई इंटरसेक्ट एट पी, ठीक है, ठीक है। चलो टू प्रूव, चार चीजें प्रूव करनी है हमको, एक बार लिख लेते हैं सारी, या एक काम करते हैं, एक काम करो आप तो चारों लिख लो एक बार के लिए, चारों लिख लो, लिखो। मैं वहां पे चार नहीं लिखता हूँ, एक ही लिखता हूँ, मैं वन बाय वन लिख के सॉल्व करवाता जाता हूँ ना। एक बार आप लोग चारों लिख लो, क्योंकि आप जब एग्जाम में करोगे तो आपको एक बार के लिए तो चारों लिखनी पड़ेगी ना। मैं थोड़ा सा मेरा स्पेस बचा लेता हूँ। लिख ली चारों चीजें, साढ़े छह से साढ़े सात होती तो है, बोलो आपके मन में क्या चल रहा है वो बताओ। सुधाकर सर की तो ले लो ना, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं, बाद में देखते हैं, अभी इसको देखो। हाँ जी, टू प्रूव, तो पहला पॉइंट टू प्रूव में सारे पॉइंट्स लिख दिए होंगे आपने यहाँ पे, है ना। मैं सीधे प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मुझे प्रूफ करना था कि ट्रायंगल एईपी सिमिलर है ट्रायंगल सीडीपी, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को उठा लेता हूँ मैं सीधे सीधे। इन ट्रायंगल, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, दो दो एंगल सब में मिलेंगे, ध्यान से देखोगे तो। इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल दूसरा क्या है, सीडीपी, ओके, कॉमा, दो एंगल चाहिए मुझे, एक एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला। नाम बोलो इस एंगल का, इस वाले ट्राइंगल में बोलो। देखो पहले ट्राइंगल ये है ना, तो पहले एंगल का नाम भी इस ट्राइंगल का बोलो, क्या होगा? ए पी ई। देखो कैसे हम लिखते हैं, मैंने लिख दिया एंगल ए पी ई, लिख दिया। अब दूसरे का तो उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, तो आप देखो ट्राइंगल के अंदर ये एपीई किस फ्लो में जाएगा, ए पी ई ऐसे आएगा, तो इसी फ्लो में उस ट्राइंगल में क्या चलेगा, सी पी डी। तो आप क्या लिखोगे, एपीई इक्वल टू सी पी डी, समझ गए किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। हैंड टू हैंड चेक करके लिखते जाओ, ताकि बार बार करेक्शन ना करना पड़े,
ठीक है लिख लो, APE, एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, और एक एक एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे कौन सा एंगल है वहां पे देखो, इस वाले ट्राइंगल में तो ये है ए ई पी, ये 90 है तो ए ई पी लिखा है आपने, तो उसी फ्लो में लिख दिया, जैसे ट्राइंगल का नाम है तो उधर भी कैसे लिखेंगे, सी डी पी है तो सही है 90, वो भी देख लेना सी डी पी बिल्कुल है 90। ठीक है तो उसी फ्लो में चलने, तो ए ई पी इक्वल टू सी डी पी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, गिवन डायरेक्टली नहीं है ना कि 90 डिग्री है, मैं बता रहा हूं, अरे बता रहा हूं बिकॉज देखो ए ई पी 90 क्यों है बताओ, ए ई पी 90 क्यों है बिकॉज ए डी नहीं सी ई परपेंडिकुलर, देखो एक बार ए ई पी कौन सा है, ए ई पी ये वाला 90 क्यों है, क्योंकि ये सीई है ए बी के परपेंडिकुलर, इसका रीजन ये होगा कि सीई है ए बी के परपेंडिकुलर, तो लिखो सीई परपेंडिकुलर ए बी, रीजन में सीई परपेंडिकुलर ए बी। एंड वो दूसरा वाला 90 क्यों है साहब, इस वाला ये वाला एंगल 90 क्यों है, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी, क्योंकि रीजन में सीधे सीधे गिवन नहीं है ना कि वो 90 डिग्री है, अगर सीधे सीधे गिवन होता तो मैं गिवन डालता। ठीक है दो एंगल हो गए, सो बाय यूजिंग ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्राइटेरियन ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, राइट हो गया प्रूव्ड। ठीक है हो गया, चलो अब सेकंड का इसी में करेक्शन कर रहा हूं, देखते जाओ क्योंकि सब में एक ही दो ही लाइंस होंगी, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल और वही परपेंडिकुलर वाली चीज। सेकंड क्या है, एबीडी और सीबीई, एबीडी और सीबीई ये उठा लिया मैंने सेकंड वाला, सेकेंड है ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा क्या है सी बी ई, ए बी डी तो लिखा है मैंने, अभी तो करेक्शन करने बैठा हूं ना, एक ही लाइन का तो करेक्शन किया है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड सी बी ई ट्रायंगल ले लिया हमने। अब फिगर में देख लेते हैं कहां कहां है ये ट्रायंगल, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल एक तो दिख रहा है, सेकेंड ट्राइंगल है सीबीई, सीबी का है सी डी ई ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। अब बताओ इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर इस बार एंगल बी कॉमन मिला दोनों में, और इसमें ये 90 डिग्री उसमें वो 90 डिग्री, ठीक है चलो तो पहले कॉमन एंगल ले लेते हैं, तो कॉमन एंगल का नाम बोलो, बी बी वर्टेक्स पे मिलेगा देखो कॉमन एंगल, तो बी वर्टेक्स पे आप सिंपली ऐसे कैसे लिख दो उसको ए बी डी, भाई जिस वर्टेक्स पे एंगल बनाते हैं उसको सेंटर में रखते हैं उस लेटर को, तो बी वैसे भी ट्राइंगल के नाम में सेंटर पे ही है, इसी फ्लो में इसको लिख देंगे ए बी डी और उधर भी इसी फ्लो में लिख देंगे सी बी ई, ए बी डी इक्वल टू सी बी ई, रीजन क्या लिखेंगे कॉमन एंगल ए बी डी, ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी ई, अब की बार वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला रीजन नहीं रहेगा, क्या रहेगा कॉमन एंगल वाला रीजन रहेगा। कॉमन एंगल और सेकेंड, अब 90 डिग्री पे कौन सा बन रहा है देखो, उधर इधर तो बन रहा है ई पर, इस ट्राइंगल में बन रहा है ई पर, तो देखो इस ट्राइंगल में अगर ई पर बन रहा है, पहले कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने ए बी डी, सॉरी पहले तो मैंने ए बी डी लिया है ना, तो ए बी डी पर कहां बन रहा है 90 डिग्री, चेक करो ए बी डी, डी पर बन रहा है ना
वहां पर है ना परपेंडिकुलर, तो यानी डी को सेंटर में लेना है, तो कैसे लिख सकते हो, ए डी बी ऐसे लिख सकते हो। उसी फ्लो में उधर क्या लिखोगे, सी ई बी, चेक करो सी ई बी है क्या, बिल्कुल है, ये रहा सी ई बी, 90 डिग्री है। उधर लिखने के बाद फिगर में भी चेक करना, ठीक है ना। तो लिख लो ए डी बी इक्वल टू ए डी बी इक्वल टू सी ई बी इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन तो सेम ही चलेगा क्योंकि यही दो तो अल्टीट्यूड हैं जो हर सिमिलैरिटी में दो दो एंगल 90 डिग्री बनाएंगे, तो बदलने की जरूरत ही नहीं है ना, समझ रहे हो भाई। और तो किसी अल्टीट्यूड की इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना क्वेश्चन में, इन्हीं दोनों अल्टीट्यूड की इंफॉर्मेशन है, तो ये दो एंगल 90 डिग्री इन्हीं दोनों के कारण तो बने होंगे, और हर सिमिलैरिटी में इन्हीं दोनों के कारण बनेंगे, तो ये वाला रीजन तो कॉन्स्टेंट हो गया, बदलेगा ही नहीं, ठीक है ना, एक एंगल वाला, बाकी सेम है। बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई, ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई, प्रूव्ड हो गया। चलें थर्ड पार्ट पे जल्दी। हाँ लिखना, तो आपको तो लिखना है, मुझे मिटा मिटा के लिखना है। हाँ चलें थर्ड ट्रायंगल पे, बोलो ट्रायंगल का नाम बोलो तीसरा। एंगल ट्रायंगल ए ई बी, रहने दो कोई मत बोलो मैं ही देख लेता हूँ, ट्राइंगल ए ई पी ए डी बी, ठीक है साहब, ए ई पी और ए डी बी, आ जाओ ए ई पी और ए डी बी, ए ई पी, वापस ये वाला ट्राइंगल ले लिया जो ऊपर लिया था ना, सेम ले लिया पहला तो, ठीक है, और दूसरा कौन सा लिया है, ए डी बी, वेर इज ए डी बी, कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको, ए डी बी, ए डी दिख रहा है। अब ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, हाउ, 90-90, ठीक है, और कॉमन एंगल, एंगल ए कॉमन है दोनों में, देखो ए ए लेटर सेम है तो एंगल ए तो कॉमन है भाई, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल बनाऊं तो उसमें भी ये वाला एंगल बनता है, और अगर मैं ये वाला ट्राइंगल बनाऊं तो उसमें भी एंगल ए बनता है, ये तो हो गया कॉमन 90 डिग्री, इसमें तो बन रहा था इधर वाला और उसमें बन रहा है उधर वाला, ठीक है, कॉमन एंगल पकड़ो पहले, तो कॉमन एंगल ए पे बन रहा है, तो ए को लो सेंटर में, क्या लिखोगे, ई ए पी, उसी फ्लो में उधर बताओ डी ए बी, चेक करो डी ए बी का बनेगा, डी ए बी बनेगा ना यही वाला एंगल, और ई ए पी बनाओगे ई ए पी तो भी ये वाला एंगल बनेगा, लिख दो, ए को सेंटर में लो, एंगल ई ए पी, ई ए पी इक्वल टू उधर भी इक्वल सेंटर में लो, ठीक है सर, ट्राइंगल एंगल डी ए बी, ई ए पी डी ए बी, और रीजन वही रहेगा कॉमन एंगल, ठीक है। हाँ 90 डिग्री वाला एंगल कहां कहां बनेगा बताओ भाई, इस ट्राइंगल में तो ई पर बनेगा, इस ट्राइंगल में कहां बनेगा, E पर बनेगा, तो E पर है तो उसी फ्लो में चलने दो ए ई पी, और उधर भी उसी फ्लो में चलने दो ए डी बी, उधर D पर बन रहा है, चलो एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए ई पी इक्वल टू उसी फ्लो में चलने दो एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन तो वही रहना है, जब जब 90 डिग्री प्रूव करेंगे रीजन सेम रहना है हमारा। By using AA similarity criterion, triangle बदल देना बस नीचे, triangle AEP similar to, one second, triangle AEP similar to triangle
ठीक है, चलें लास्ट फाइनल फोर्थ वन। क्यों पार्ट नंबर फोर आ जाओ, ट्राइंगल पी डी सी और बी ई सी, ये अलग दिख रहा है, चलो देखते हैं। पी डी सी सेम ही है, पी डी सी और बी ई सी, बी ई सी, चलो ट्राइंगल का नाम लिख लिया, पहले ट्राइंगल देख लेते हैं फिगर में कहा है। पी डी सी ऊपर वाला नन्ना मुन्ना, और बी ई सी का है, बी ई सी, अच्छा ये विशाल का है शिवम की तरह, ठीक है। तो ये बड़ा पैक और ये छोटा पैक, ये सिमिलर है ना, बताओ कॉमन एंगल है एक तो दिख रहा है मुझे शायद, कहाँ पे देखो लेटर कॉमन कौन सा है, सी लेटर कॉमन है तो सी पे ही होना है, तो सी लेटर कहाँ है, ये रहा ऊपर वाला, ये वाला एंगल इस छोटे पैक में भी आ रहा है और यही वाला एंगल इस शिवम पैक में भी आ रहा है, ठीक है। और 90 डिग्री इस पे डी पे बनेगा 90 डिग्री और उस पे ई पे बनेगा, चलो 90 डिग्री का बाद में लिखेंगे, पहले कॉमन एंगल सी पे बनाना है, बोलो एंगल का नाम बोलो, सी पे बनाना है मुझे, टी सी डी, सेम फ्लो में इधर आओ, बी सी ई लिखो, लिख दो टी सी डी, टी सी डी इक्वल टू बी सी ई, रीजन कॉमन एंगल, अच्छा 90 डिग्री पे इस पीडीसी में तो डी पे बनेगा, ऊपर वाले ट्रायंगल पीडीसी में तो डी पे बन रहा है 90 डिग्री, तो उसी फ्लो में चलने देते हैं, डी ऑलरेडी सेंटर में आ रहा है और इधर भी ई पे ही बनेगा, उसी फ्लो में चलने दो, बी ई सी है ना, तो एंगल पीडीसी एंगल बी ई सी सेम फ्लो में, एंगल पीडीसी इक्वल टू एंगल BEC equal to 90 degree, reason being the same, change the name of triangles and you are done. Triangle PDC similar to triangle BEC, proved. हो गए चारों चीजें proved. तो काफी easy question था, एक हाँ एक बस पहले का logic पकड़ लिया तो बाकी के फिर same चल रहे थे logic. क्या हुआ, क्यों लड़ रहा है उसको, ऐसे पूछता है लड़के, तो फिर लड़ता, जब तू प्यार से इतना गुस्सा दिखा रहा है तो गुस्से में कितना गुस्सा दिखाता है फिर, हो गया ठीक है, हो गया कोई डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट्स, यश्मी कुणाल, नो सर, रिया, नो डाउट, रिया कोई डाउट है क्या, नो सर, रितिक, निशिता, नो सर, चलो नो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, एट का कोई फिगर नहीं है तो हम बनाएंगे, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो जब स्टेटमेंट हमने यहां से यहां पढ़ा, सपोज करो पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ के यहां पे खत्म किया, तो सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट में से क्या चीज ड्रॉ करोगे, पैरेललोग्राम एबीसीडी, भाई सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर ही तो उसकी कोई साइड देखेंगे, कोई एंगल देखेंगे, कोई वर्टेक्स देखेंगे, तो पैरेललोग्राम एबीसीडी ड्रॉ करना है, सपोज करो ये मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देता हूं, पैरेललोग्राम होता क्या है सबको पता है, क्या होता है, फोर साइड का तो स्क्वायर भी होता है, ट्रेपेजियम भी होता है, जरूरी है पैरेललोग्राम ही हो, ऐसी लाइन, पैरेललोग्राम लाइन होती है, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आमने सामने की दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल, वो तो फिर उन सारी चीजों के रिजल्ट्स हैं, मेन डेफिनेशन क्या है, जब उसका नाम सुनो पैरेललोग्राम, मेन डेफिनेशन क्या है, जो पैरेलल साइड्स लेके बैठा है वो पैरेललोग्राम है, और दोनों ये वाला पेयर भी ये वाला पेयर, अब उसके फिर आमने सामने के साइड्स इक्वल भी होंगी, एंगल्स आमने सामने के इक्वल होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट, ये सब तो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ठीक है ना, गाड़ी लेने जाते हैं कहते हैं ना ये तो मेन फीचर फिर एक्स्ट्रा फीचर्स, तो वो तो एक्स्ट्रा फीचर, मेन फीचर क्या है इसका,
कि ये इसके आमने सामने की साइड्स को क्या करता है, पैरेलल, और दोनों पेयर को करता है, एक को नहीं। ट्रेपेजियम एक को ही करता था, पैरेलोग्राम दोनों पेयर को करता है, ठीक है। अब पैरेलोग्राम एबीसीडी ड्रॉ होने के बाद ई इज ए पॉइंट, ई एक पॉइंट है, कहां पर, साइड एडी पर नहीं है, साइड एडी को प्रोड्यूस किया फिर मिला वो ई, तो एडी कहां है, एडी तो कहीं है ही नहीं, रुको, ए बी सी डी, अब मिल गया एडी, इस साइड एडी को प्रोड्यूस किया, ये आगे प्रोड्यूस कर दिया मैंने, अब जहां मैंने इसको प्रोड्यूस किया है उस प्रोड्यूस की हुई साइड पे है ई पॉइंट, तो कहीं भी मार्क कर लो, फॉर एग्जांपल मैंने यहां मार्क कर दिया ई, आप यहां मार्क मत कर देना ई, इस एडी पर ई मार्क नहीं करेंगे हम, एडी को प्रोड्यूस करने के बाद जो साइड मिली है ना वहां पे ई मार्क कर लिया, ठीक है। आगे सुनो, उसके बाद दिख नहीं रहा, एंड बीई इंटरसेक्ट सी डी, ध्यान से सुनना, बीई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, बीई सी डी को एफ पर छूती है, बीई बीई यानी बी तो बोरा, ई यहां पे मैंने मार्क किया था तो बी को ई से मिलाओ, मिला दिया, और बीई किसको इंटरसेक्ट कर रही है, सी डी को, सी डी कहां है, सी डी, ये रहा कहां पे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है F. अब फिगर कंप्लीट हो गया सबका, यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू सी एफ बी, ए बी ई का है, ए बी ई यानी ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, ये बड़ा ट्रायंगल इज सिमिलर टू व्हाट, ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ बी यानी कि ये छोटा ट्रायंगल, यहाँ पे ये कोने वाला ट्रायंगल, ये कोने वाला ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये आपस में सिमिलर है, ऐसा प्रूव कर। क्वेश्चन समझ में आया, चलो लेट अस ड्रॉ ए फेयर फिगर, पेयर फिगर बनाओ जल्दी से, आपको हिंट दे दिया मैंने, पैरेललोग्राम है क्या, बिल्कुल है, या सेंटर में बना देते हैं, और प्रोड्यूस करनी है आपको साइड, है ना, यहाँ पे आपको डॉटेड फॉर्म में प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, नहीं डॉटेड फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं करनी है, सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है, डॉटेड फॉर्म में प्रोड्यूस कब करते हैं, जब अपन कंस्ट्रक्शन में करते हैं ना, आपको फुल फॉर्म में ही प्रोड्यूस करनी है। ए बी सी डी और ई कहां लें, मान लो ये तो प्रोड्यूस कर दिया मैंने, ई यहां ले लेता हूं, ठीक है, अब बी को ई से ज्वाइन कराओ, हो गया ज्वाइन, ठीक, और जहां पे इंटरसेक्शन हुआ वो पॉइंट कौन सा है, एफ, गिवन पॉइंट्स, सबसे पहले एबीसीडी से पैरेललोग्राम, सबसे पहले तो फिगर की जानकारी दिया करो, जैसे कि एबीसी से ट्राइंगल, एबीसीडी से ट्रेपेजियम, या एबीसीडी से पैरेललोग्राम, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल कोई पॉलीगन बना हुआ है तो उसकी पहले जानकारी दो, एबीसीडी से पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म समझते हो, पैरेलल लिखो और ऊपर जीएम, पैरेललोग्राम, जैसे ट्राइंगल का शॉर्टकट क्या होता है, ऐसे ट्राइंगल बना देते हैं अपन, वैसे ये पैरेललोग्राम का शॉर्टकट है, तो एबीसीडी से पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड्स पैरेलल होंगी, वो बोलने की हमको लिखने की जरूरत नहीं, वो फिर अपन प्रूफ में जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। दूसरी चीज क्या है, इन विच लिख दो यहाँ पे, इन विच, फिर आगे क्या काम किया हमने, हमने एडी को प्रोड्यूस किया, इन विच एडी इज प्रोड्यूस्ड टू ई, एडी इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड भी लिख सकते हो और एक्सटेंडेड भी लिख सकते हो, प्रोड्यूस्ड टू किस पॉइंट तक एक्सटेंड किया हमने इसको, पॉइंट ई तक, एंड बीई जो है, फिर मैंने ई से बी को मिलाया तो जो बीई बनी वो सी डी को कहां पे इंटरसेक्ट करती है, एफ पर, बीई इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट एफ, ये तीन लाइनों में सारे गिवन पॉइंट्स बता दिए अपन ने, पूरा क्वेश्चन ही एक तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया, उसमें भी तीन लाइन में ये सब कुछ दे रखा है, और अब टू प्रूव में लिख दो जो आपको प्रूव करवाना चाह रहा है, वो टू प्रूव, एंगल ट्रायंगल ए बी ई
is similar to triangle CFP. चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो जा। अब खड़े खड़े ही काम कर, अब अच्छी तरीके से याद रहेगा तेरे को। अब खड़े खड़े ही काम करेगा ना। ट्रायंगल एबीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीएफपी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत महसूस तो नहीं हो रही, पड़ेगी तो देखेंगे बाद में। चलो हाँ जी, कौन सा ट्रायंगल है? एक तो ट्रायंगल है ये वाला सीएफबी, दिख रहा है, और दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, ये बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, दिस वन, ये बड़ा ट्रायंगल एंड दिस वन, ये दोनों सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, बताइए कैसे प्रूव हो। एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, वेरी गुड। क्यों है वो भी बताते जाओ। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, तो एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो एंगल ए, जो एंगल ए पैरेललोग्राम का उस ट्रायंगल में फॉल होता है, और एंगल सी जो है पैरेललोग्राम का वो इस ट्रायंगल में फॉल होता है। ई वाला और डी वाला, बी वाला, ये वाला और दूसरा ये सी बी एफ, ये वाला ना, और किसके बराबर होगा ये? और जो मैंने अभी बनाया वो भी तो हो सकता है। ठीक है ना, और आप कौन सा बना रहे हो? आप ये वाला बना रहे हो ना, दिस वन एंड दिस वन, वो भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप ये वाला एंगल इसके बराबर करोगे तो आप पैरेलल लाइंस ये लोगे, कौन सी? ए ई पैरेलल बी सी, और ट्रांसवर्सल किसको लोगे? इस लंबी लाइन को ट्रांसवर्सल लोगे, और इस एंगल को इसके बराबर करोगे। और अगर आप इन दोनों को पैरेलल कंसीडर करते हो और ट्रांसवर्सल भी केवल बी से लेके एफ तक कंसीडर करते हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा शॉर्ट है, दो ही एंगल्स की जरूरत है, तीसरे पे क्यों जाना, और जाओ तो चले जाओ। उसमें फिर है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर आप तीसरे पे जाते हो, उस एंगल पे जाते हो, तो एक कॉम्प्लिकेशन और है। आपको थोड़ा ना गिवन है ए से लेके ई तक, बी से लेके सी तक पैरेलल है, आपको तो केवल इतनी इन्फॉर्मेशन है कि एडी पैरेलल है बीसी तक, लेकिन फिर एडी को आगे प्रोड्यूस किया तो जो प्रोड्यूस की हुई लाइन होगी वो भी पैरेलल होगी बीसी तक, तो ये दो तीन स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि ए बी पैरेलल बी सी ही कर दें, पर वैसे आपको बताऊं तरीका सही यही है कि तीनों लिखो। मैंने क्या कहा था, जब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो कि तीनों एंगल्स हैं इक्वल मिल रहे हैं, तो फिर लेने चाहिए। दो ही लिख के आए तो फिर डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। अगर एक नंबर का है, डेढ़ नंबर का है, तब तक तो ठीक है, दो ढाई नंबर का है या तीन नंबर का है तो फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी, फिर तीसरा भी लिखें। और दूसरी बात, ये भी डिपेंड करता है चेक कौन कर रहा है। हाँ ऑब्वियसली, अगर उसको तीन एंगल उसने सोच के बैठा है कि मैं तो तीन एंगल वाले को मार्क्स दूंगा, तो आप क्यों रिस्क ले रहे हो, आप उसको क्यों मौका दे रहे हो काटने, मेन बात हुआ। ठीक है, तो फिर हम अभी भी तीनों एंगल ही, उसको दो चाहिए होंगे तो तीन वाले का थोड़ा मार्क्स काटेगा, उसको तो ज्यादा ही मिल रहे हैं ना, उसको तो ज्यादा ही मिल रहे हैं। तेरे को 20 रुपए चाहिए, मैं 30 दूंगा तो नहीं लेगी। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए, देखिए भाई, देखिए, तो अपन तीनों ही करेंगे अभी भैया ना, अपन अच्छे से करेंगे। चलो भाई शुरू हो जाओ प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब आवाज नहीं, ट्रांसवर्सल्स कौन कौन से लेने हमको, उस पे फोकस करते हैं। अगर मैं इसको ए बी और डी सी को पैरेलल ले लूं तो बी एफ ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और वहां से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अलग से बना के भी देख लिया करो, ये ए बी और ये डी सी, और बी से लेकर एफ पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो उधर भी होगा। उधर इमेजिन ना हो पाए तो अलग ड्रॉ करके इमेजिन कर लो रफली। ठीक है, तो पहली लाइन लिख रहा हूं मैं, हेयर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विच इज गिवन, विच इज गिवन
ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम विच इज गिवन. सो लेट अस टेक AB पैरेलल टू, पैरेलल टू व्हाट? DC. AB पैरेलल टू DC. साथ में ट्रांसवर्सल भी बताते हैं अपन हमेशा. एंड कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल हो गया, अभी भी बताई थी, BF. एंड BF इज द ट्रांसवर्सल लाइन, करेक्ट? ठीक है. सो कौन कौन से दो एंगल इक्वल करने थे, आ जाओ. अरे इधर तो है नहीं, फिगर भी उधर ही है हमारे पास. हाँ, तो ये दोनों एंगल इक्वल करने वाले हो आप, ये वाला और ये वाला. आप देखो जो ट्राइंगल आप लेने वाले हो बिल्कुल उसके हिसाब से चलो. आप लेने वाले हो ABE. ABE कौन सा है, बड़ा वाला ट्राइंगल है, और CFB कौन सा है, छोटा वाला ट्राइंगल. तो ABE में आपको B पे एंगल बनाना है और CFB इस वाले में F पे एंगल बनाना है. देखो अगर मैं इसी के फ्लो में लिख दूं ABE तो बन जाएगा B पे एंगल, और इसमें भी इसी के फ्लो पे लिख दूं CFB तो F पे बन जाएगा एंगल. तो आप लिख लो एंगल ABE इक्वल टू CF. हालांकि जब अपन अल्टरनेट एंगल्स लिखते हैं तो इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि आप एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, लेकिन उसी लिखी हुई चीज को फिर अपन सिमिलैरिटी में यूज करेंगे ना, वहां तो फर्क पड़ेगा. ओके, सो एंगल ABE इक्वल टू एंगल CFB, द रीजन बीइंग अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है जी, एक एंगल तो हम यहां से ले लेंगे. अब इसको एज इट इज छोड़ दो आप, इसको फिर अपन सिमिलैरिटी में यूज करेंगे. एंड अब AB पैरेलल DC यूज कर लिया आपने, ये चीज यूज कर ली. अब दूसरी चीज, दूसरी वाली साइड कौन सी थी, मतलब दूसरी वाली पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कौन कौन सी थी? पहले तो AB पैरेलल DC ले ली, अब दूसरा पेयर भी तो पैरेलल होगा ना, AD पैरेलल BC. एक बार के लिए तो AD पैरेलल BC लिखेंगे, फिर उससे अगले रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि AE पैरेलल BC, क्योंकि अगर AD पैरेलल BC है तो AE उसी का तो एक्सटेंशन है, तो वो भी उसका ही पैरेलल होगा. तो पहले लिखो AD पैरेलल BC, ऑल्सो AD पैरेलल BC. ठीक है, इम्प्लाइज करके लिखो, AD पैरेलल BC है तो फिर AE पैरेलल भी क्या हो जाएगा, BC. रीजन क्या लिखेंगे, AE इज द एक्सटेंशन ऑफ, बिकॉज नहीं लगाया, सॉरी बिकॉज लगाओ, बिकॉज AE इज द एक्सटेंशन ऑफ AD, इसीलिए ये भी पैरेलल हो गया. एंड अब बताओ ट्रांसवर्सल कौन सा लोगे AE पैरेलल BC में, वो सबसे पूरी लंबी लाइन B से लेके E, DE. DE इज द ट्रांसवर्सल एंड DE इज द ट्रांसवर्सल. सो बताइए एंगल वहां पे कौन कौन से ले. आप तो सबसे पहले ये देखा करो एंगल बन का रहा है, फिर सेट अपन अपने हिसाब से कर लेंगे. एक एंगल यहां बन रहा है और उधर कहां बन रहा है, यहां बन रहा है. तो इस वाले बड़े ट्राइंगल में तो ई लेटर पे, और छोटे ट्राइंगल में, अब आप ट्राइंगल का नाम पकड़ो ई पे और बी पे, ये याद रख लिया अपन ने, आ जाओ. इस ट्राइंगल में तो ई पे बनाना है, तो कैसे पढ़ोगे, ए ई बी. अब इसी फ्लो में उधर चलो सी बी एफ, ऑटोमेटिकली बी पे बन रहा है ना, हमको बनाना भी बी पे था ऑटोमेटिक, तो क्या लिखेंगे हम, ए ई बी इक्वल टू सी बी एफ. ए ई बी इक्वल टू एंगल सी बी एफ, वही रीजन, सेम अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, अब उठा लेते हैं दोनों ट्राइंगल जिसको अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, सिमिलर प्रूव करना था. नाउ इन ट्राइंगल क्या नाम थे, ABE एंड CFB. सबसे पहले तो यही दो रिजल्ट्स लिख लो जो अभी निकाले, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों का रीजन क्या डाल देंगे अपन, प्रूव्ड अबव. एक तो ये वाला रिजल्ट लिख लो, एक या दो एंगल मिल गए,
फिर तीसरा एंगल तो अपोजिट एंगल्स वाला था कॉन्सेप्ट, उसमें वो एज इट इज लिख देंगे अपन। बोलो पहला एंगल क्या निकाला था हमने, पहला पॉइंट क्या निकाला था, ये एसी फ्लो में था ना, एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल सी एफ बी, और दूसरा अभी अभी देखो ऊपर ही दिख रहा है, एंड एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल सी बी एफ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सी बी एफ प्रूव्ड अबव। दो एंगल मिल गए, तीसरा एंगल कौन सा लेने वाले थे अपन, वापस आ जाओ उस पे, लेटर देखो, हम इस वाले ट्राइंगल पे ए पे लेने वाले थे और इस वाले पे सी पे। अब ए पर सेट करो, बड़े वाले ट्राइंगल में ए पर एंगल बनाना है, तो ए पर एंगल बनाना हो तो क्या लिख सकते हो, बी ए ई, इसी फ्लो में उधर देखो एफ सी बी, ऑटोमेटिकली सी पे बन गया ना, सब सेट होता है, अपने को तो बस लिखना होता है ना, बी ए ई इक्वल टू एफ सी बी। लेकिन इन दोनों का रीजन क्या लिखोगे, दोनों एंगल क्यों बराबर है, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, है ना, लिख देते हैं एंगल बी ए ई एंड एंगल बी ए ई इक्वल टू, उधर क्या लिखना है, एंगल सी बी, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो तीनों एंगल के बराबर हो गए, कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हो जाएगी, ए ए ए ए ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीएफ प्रूफ। ठीक है, कोई डाउट, तो अब देखो इनका फ्लो सेम आना ही है, क्योंकि मैं शुरू से ही सेट करके आ रहा हूं, अभी देखो पहले का फ्लो भी सेम ही आ रहा है, ए बी ई सी एफ ई, क्योंकि शुरू से अपन ट्रायंगल के नाम के हिसाब से इनको सेट करते हुए आ रहा है। ठीक है, ए ई बी इक्वल टू सी बी एफ, सेकेंड वाले का भी मैच हो रहा है, और थर्ड वाले का भी बी ए ई इक्वल टू एफ सी, थर्ड वाले का भी मैच हो रहा है। अब वो चेक करने वाला हमारे मार्क्स काट के तो दिखाया, कहाँ काटेगा, सब तो दे दिया हमने, अब अभी भी काट रहा तो फिर खुन्नस निकाल रहा है। ठीक है ना, निकाल दे उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। सपोज करो बीवी ने डांट दिया हो, अब कहाँ निकलेगी खुन्नस, तो वो निकल सकती है कहीं भी। तो इसीलिए तो कहते हैं, कि बोर्ड्स में लक भी काम करता है, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा करके आते हैं लेकिन उनके कई जगह मार्क्स कट जाते, कई ऐसे बच्चे होते हैं कुछ नहीं करके आते हैं, उनके पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, टीचर का भी फर्क, बहुत सारी मतलब इसमें फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। हाँ नहीं, कोई भी नहीं ले सकता, गवर्नमेंट टीचर्स को, और वो भी उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पैनल बनता है उस हिसाब से। तो सुधाकर सर को मिलेगी तो इधर के एरिया की नहीं मिलेगी, किसी और एरिया की मिलेगी, और सीबीएसई में तो पैन इंडिया लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, और सीबीएसई की सुधाकर सर को क्यों मिलेगी, वो तो राजस्थान लेवल के टीचर है, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो तो। ठीक है, चलो इधर देखो, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, फिगर 6.39 ड्रॉ करो फटाफट फास्ट, जल्दी ड्रॉ करो, देखो खड़ा होना है क्या, सीधा खड़ा रहे तू, कैसे खड़ा रह रहा, बिल्कुल अंदर आ, टेबल के अंदर आ, तभी तो परेशान होगा तू, ठीक है तो इधर ही खड़ा रहेगा, फिगर ड्रॉ होते ही बता दो फटाफट, तो रीड करते हैं, इजी दिख रहा है वैसे, ज्यादा डिफिकल्ट दिख नहीं रहा शक्ल से तो। स्टार्ट करें, इन फिगर 6.39 नीचे वाला फिगर है, एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट ट्राइंगल्स, एबीसी और एएमपी दो राइट ट्राइंगल्स हैं, राइट ट्राइंगल क्या होता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, तो एबीसी कहां है देख लेते हैं हम, ए बी सी दिख रहा है साफ साफ राइट ट्राइंगल,
फिगर में भी डिनोट कर दिया ना उसने, इस जगह पे राइट एंगल है, ठीक है। और वैसे नीचे भी दे दिया इसने राइट एंगल डेट बी। अच्छा दोनों, अच्छा बी एंड एम, ये वाला तो बी पर और ये वाला एम पर, और फिगर में भी दिख ही रहा है वो तो। खैर दूसरा वाला ट्राइंगल जो है वो एम पर राइट एंगल बना हुआ है, उसमें बना हुआ है, ठीक है। आगे रीड करते हैं, प्रूव दैट, बस यही इंफॉर्मेशन है, प्रूव करना है। एबीसी और ए एम पी सिमिलर है, यानी कि जिन दो ट्राइंगल की बात हो रही है वो दोनों सिमिलर है, बहुत ईजी है। एंगल ए तो कॉमन है, एंगल ए तो कॉमन है, और ये वाला राइट एंगल बन गया ए ए सिमिलैरिटी से हो गया। और दूसरा सी ए बाई पी ए इक्वल टू बी सी बाई एम पी, अगर ये चीज प्रूव हो गई तो इसी के तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है सी ए बाय पी ए, ठीक है, इक्वल टू बी सी बाय एम पी, इसी के तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो वो चीज प्रूव हो जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे, उसी के रिजल्ट में लिख देंगे कि सी ए बाय पी ए इक्वल टू बी सी बाय एम पी। कर लोगे या कराऊं? गिवन, तो मैं ये करा दूंगा तो मैंने ये कैसे, ये थोड़ा ना बोला कि अगला होमवर्क नहीं दे सकता। इन ट्रायंगल, अच्छा सॉरी प्रूफ नहीं, पहले तो गिवन पॉइंट्स लिखने हैं ना हमको। ट्रायंगल एबीसी एंड दूसरा कौन सा है, एमएनपी, एबीसी एंड एएमपी है, एमएनपी नहीं है, एएमपी, एएमपी आर राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स। पहले राइट ट्रायंगल को पुराने जमाने में क्या कहते थे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल पूरा बोलते थे। फिर धीरे धीरे जैसे क्या होता है, टाइम आगे चलता है ना, तो लैंग्वेज हमेशा शॉर्ट होती जाती है। कभी भी देख लो जो भी वर्ड्स होते हैं ना वो शॉर्ट, जैसे पहले हम क्या कहते थे, हेलो, फिर क्या है, हाय, अब है, है ना, तो शॉर्ट होते जा रहे हैं ना। तो इसीलिए पहले बोलते थे राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बहुत बड़ा हुआ तो उसको शॉर्ट करके बोलना शुरू कर दिया राइट। बुक्स में भी अपडेट हो गया, जैसे जैसे लैंग्वेज बनती जाती है वो बुक्स में भी अपडेट होता जाता है। हम जब पढ़ते थे हमको पूरा लिखना पड़ता था राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल्ड एट, राइट एंगल्ड एट, अब ये तो पूरा लिखना पड़ेगा कि राइट एंगल कहां कहां पर है, राइट एंगल्ड एट ए एंड एम, ओ सॉरी बी एंड एम, बी एंड दैट्स इट, ये गिवन पॉइंट है बस हमारे पास टू प्रूव। दो पॉइंट्स हैं, पहला तो यही दो ट्राइंगल दे दिए और कह दिया कि इनको सिमिलर प्रूव करो, सेकंड वाला जो प्रूव है वो क्या है बोलो, सी ए बाय सी ए है, ए सी है, सी ए बाय पी ए होगा इक्वल टू ए सी बाय ए पी, बी सी बाय फिर एम पी होगा, अगर बी सी है तो एम पी होगा, corresponding part तो लेगा ही लेगा। प्रूफ, उठा लो दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, सबसे पहले कॉमन एंगल ले लेते हैं, तो कॉमन एंगल ए पे बन रहा है तो इसमें कैसे लिखोगे, ए पे एंगल बनाना है तो बी ए सी, उधर कैसे बोलोगे, एम ए, बी ए सी इक्वल टू एम ए पी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल एम ए पी, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, और एक एक एंगल इक्वल 90 डिग्री की वजह से, क्योंकि राइट ट्राइंगल्स हैं वो, राइट ट्राइंगल इधर कहां बन रहा है, एबीसी में तो बी पे बन रहा था तो एंगल एबीसी, और दूसरे वाले ट्राइंगल में एम पे बन रहा था तो एंगल ए एम पी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको गिवन लिख सकते हो आप, क्योंकि इसमें तो सीधा सीधा दिया है ना कि एबीसी इज ए राइट एंगल, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल डेट बी, इसको गिवन डाल सकते हैं। तो दो एंगल्स हो गए, सो बाय यूजिंग, तीसरा एंगल की जरूरत भी नहीं है और हमारे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है ना, तो इसको कैसे इक्वल करें, बाय यूजिंग ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल ए बी सी
सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी। ये तो हो गया प्रूव्ड, पहला पार्ट है ना, ये पहला पार्ट का प्रूफ है। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो अभी अभी हमने प्रूव किया है उसको एक बार फिर से उठाएंगे, फिर से उठा के यूज करेंगे। नाउ वी हैव ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी। ये ऑलरेडी हमारे पास कहां से मिला, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब प्रोपोर्शनल होंगी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में एक तो सी ए आ रहा है, और सी ए की सीध में क्या आ रहा है वहां पे पी ए इक्वल टू, दूसरा बी सी, और बी सी की सीध में वहां पे एम पी। आप छोटा से डाल सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिख दो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। और सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। साढ़े छह भी नहीं बजे क्या, करवा दें? अगले वाले का ट्रायंगल कहाँ है, फिगर कहाँ है? चलिए ठीक है, कल करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 10th 9th तक आप रिवाइज करके आओ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, 10th से कल देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। 9th दिखाना, 9th क्या बताऊं सर, नोट करना है। अच्छा नोट करना है, हाँ देखो नोट करो जल्दी से। फिगर मैंने ड्रॉ नहीं किया है, वहां से देखना बुक में से। सर रोल डाउन करना, सीधे घर निकलना। कल फोन आया था मम्मी का, फिर कहाँ गए थे? उसने वो लेके गई थी, बुलाने आरिका को। डन सर, हो गया। ट्रायंगल का साइन नहीं है ना, ट्रायंगल एम। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।